गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोगों का जो टॉपिक चल रहा था वो अपना कार्बोनिल कंपाउंड था। कार्बोनिल कंपाउंड में हमने ऑक्सीडेशन की बात की थी। ऑक्सीडेशन के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टाइम रिएक्शन है आप लोगों की, वो है कैनिजारो अभिक्रिया। हम देखते हैं कैनिजारो जो आप लोगों के पास रिएक्शंस होती है, कैनिजारो अभिक्रिया। कैनिजारो रिएक्शन में आप लोगों को क्या करना है आप लोगों को इस रिएक्शन में, वही हमें कार्बोनिल कंपाउंड यूज़ करने हैं। लेकिन हमें ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड यहाँ यूज़ करने हैं जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं हो, यानी कि आप लोगों के पास ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड आप लोगों को लेना है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होते। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे बेंजाल्डिहाइड, इसके बाद हम देखते हैं आप लोगों का जो PValdehyde होता है, क्लोरिल जो आप लोगों के पास होता है, ये आप लोगों के पास होता है क्लोरिल। इसके बाद अगर आप लोग बात करोगे जो अपने पास फॉर्मेल्डिहाइड होता है SCHO, इसके पास भी क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होते। तो यहाँ आप लोगों को वही कार्बोनिल कंपाउंड यूज़ करना है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होते। तो अपने पास ये एग्जांपल में आप लोग कुछ भी यहाँ यूज़ करोगे वो बेंजाल्डिहाइड हो सकता है, आप लोग के पास क्लोरिल हो सकता है। इसके अलावा आप लोग के पास एक और आता है, इसमें PValdehyde। PValdehyde में क्या होता है अपने पास, ट्राई मैथिल, और ये आप लोगों का होता है एल्डिहाइड ग्रुप। तो इसमें आप लोगों के ये जो चार एग्जांपल है उसमें से आप लोग कोई भी लेकर आप लोग ये कैनिजारो रिएक्शंस करवा सकते हो। इसमें क्या होता है अपने पास कैनिजारो रिएक्शंस में, यहाँ पे 2 मोल आप लोगों को कार्बोनिल कंपाउंड के यूज़ करने हैं, वो भी कौन से कार्बोनिल कंपाउंड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं हो। तो 2 मोल जैसे ही हम कार्बोनिल कंपाउंड का यूज़ करते हैं तो हमारे पास एक तो मिलता है अल्कोहल, प्लस दूसरा हमारे पास मिलता है आप लोगों के पास कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे दो चीज़ जो होती है वो दो चीज़ें आप लोगों के पास सेम चलती है। एक में अपने पास क्या होता है अल्कोहल जो होता है उसका, तो अपने एक जो कार्बोनिल कंपाउंड होता है उसका दूसरे जो अल्कोहल होता है उसमें रिडक्शन होता है, और जो आप लोगों का कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसमें आपका होगा ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ 2 प्रोसेस एक साथ चलती है इस रिएक्शन में। तो एग्जाम के अकॉर्डिंग भी आप लोगों की इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, डायरेक्टली आप लोग क्वेश्चन पुटअप करते हैं कि कैनिजारो रिएक्शन पे शॉर्ट नोट आप लोगों को पूछते हैं या संक्षिप्त टिप्पणी जिसको आप लोग बोलते हो। तो वो अपने पास क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों को ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड यानी कि जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं हो, तो हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं फॉर्मेल्डिहाइड। ये जो फॉर्मेल्डिहाइड है आप लोग उसके क्या करवाएंगे, हम यहाँ पे अपने बेस के साथ इसकी रिएक्शंस करवाएंगे, जो भी सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो भी हम यूज़ करते हैं बेस के रूप में, तो बेस के साथ हम रिएक्शंस करवाएंगे किसकी, फॉर्मेल्डिहाइड आप लोगों के पास होगा। तो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया कि हमें इसके 2 मोल यूज़ करने हैं, क्योंकि 2 मोल यूज़ करने से क्या होगा अपने पास, एक तो अपने पास फॉर्मेल्डिहाइड का क्या बनेगा, एक तो अल्कोहल बनेगा और एक मिलेगा आप लोगों को कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम देखते हैं यहाँ पे ये है आप लोगों के पास मैथेनॉल, प्लस हमारे पास क्या बनेगा, एक सोडियम एसीटेट, यानी कि आप लोगों के पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड है लेकिन हमें क्या मिलेगा इसका, सोडियम जो आप लोगों के पास प्रेजेंट है हाइड्रोक्साइड, तो उसका क्या मिलेगा हमें, साल्ट मिलेगा। तो हम देखते हैं एक कार्बोनिल जो कंपाउंड है आप लोगों के पास, ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है SCHO, इसका हम बेस के साथ रिएक्शंस करवाएंगे तो हमारे पास बनेगा मैथेनॉल। तो ये जो मैथेनॉल आप लोगों के पास बना, तो इसका ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है मैथेनॉल, अगर हमें यहाँ से मिला तो इसका तो हो गया अपने पास रिडक्शन, इसको आप लोग बोलते हो अपचयन। और दूसरा अपने पास जो मैथेन का फॉर्मेल्डिहाइड आप लोगों ने यूज़ में लिया, वही हमारे पास बेस के प्रेजेंस में रिएक्शंस होगी। एक बना हमारे पास एसिड, वो भी कौन सा, साल्ट जो आप लोगों के पास है SC00, सोडियम एसीटेट जिसको आप लोग बोलते हो। तो ये अपना सोडियम एसीटेट जो बना, यहाँ पे इसका हो गया ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन का आप लोग कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑक्सीकरण हम किसे बोलते हैं, जहाँ पे ऑक्सीजन जो एटम होता है वो आप लोगों के पास अटैच होता है तो हम उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं, और हाइड्रोजन एटम अगर अटैच होता है तो उसको हम रिडक्शन बोलते हैं। तो यहाँ फॉर्मेल्डिहाइड जो है आप लोगों के पास, इसके पास ओनली फॉर 1 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, लेकिन जैसे आप लोग इसका प्रोडक्ट देखोगे तो वहाँ अपने पास क्या प्रेजेंट है, 2 आप लोगों के पास ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। तो यानी कि एक फॉर्मेल्डिहाइड के रूप में जो आप लोगों के पास कार्बोक्सिलिक जो आप लोगों को साल्ट मिल रहा है, तो उसमें तो क्या हो रहा है, उसका ऑक्सीकरण हो रहा है। और अगर आप लोगों के पास अल्कोहल मिलता है तो उसमें इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो ये अपने पास नॉर्मल रिएक्शंस थे कि कैनिजारो रिएक्शंस में आप लोगों को क्या क्या प्रोडक्ट मिलेंगे। इस रिएक्शंस की मैकेनिज्म में देखते हैं हम कि कैसे ये रिएक्शंस पॉसिबल होती है। तो एक तो मिलेगा हमें यहाँ से मैथेनॉल, यहाँ पे हम नाम लिखेगा प्रोडक्ट का मैथेनॉल, प्लस यहाँ पे मिलेगा सोडियम एसीटेट फॉर्मेट जो आप लोगों के पास होगा, फॉर्मेट ये आप लोगों के पास साल्ट मिलेगा। तो ये आप मैकेनिज्म अगर हम देखते हैं इस रिएक्शन की क्रियाविधि की, तो मैकेनिज्म में क्या होता है,
सबसे पहले हम क्या लेते हैं, 2 मोल फॉर्मेल्डिहाइड का हमें यूज करना है, तो हम क्या करवाएंगे, 1 फॉर्मेल्डिहाइड लेंगे, ये आप लोगों के पास है फॉर्मेल्डिहाइड। इस फॉर्मेल्डिहाइड के क्या करवाएंगे हम, बेस के साथ रिएक्शंस करवाएंगे। ये जो बेस होगा वो क्या करेगा, कौन से पार्ट से अटैच होगा, जहाँ पर पॉजिटिव पार्ट हो, तो हम क्या करवाएंगे, ये जो कार्बोनिल ग्रुप के जो आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन, उनका हम मूव करवा देंगे ऑक्सीजन की तरफ। जैसे ही मूव करवाएंगे तो ऑक्सीजन पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो इस पॉजिटिव को हम क्या करवाएंगे, नेगेटिव के साथ रिएक्शंस करवा देंगे। तो यहाँ अपना हो गया नेगेटिव, और ये आप लोगों का अटैचमेंट हो गया यहाँ पे हाइड्रोक्सिल का, प्लस हमारे पास क्या है यहाँ पे हाइड्रोजन, आप लोगों के पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। जैसे ही हम रिएक्शंस करवाएंगे आगे हमें क्या करना है, हमारे पास दो मोल, आप लोगों को जो हमारे पास क्या है यहाँ पे, दो फॉर्मेल्डिहाइड आप लोगों के पास 2 मोल इसके प्रेजेंट है, तो 1 मोल का हमने यूज़ कर लिया। अब क्या करवाएंगे, दूसरे मोल को इसके साथ रिएक्शंस करवाएंगे, दूसरा आप लोग जो कार्बोनिल कंपाउंड लेंगे उसके साथ इसके रिएक्शंस करवाएंगे। तो दूसरे की जैसे हम रिएक्शंस करवाते हैं तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन की आप लोगों के पास पॉजिटिव चार्ज है, अगर हम उसका मूव करेंगे यहाँ पे, तो जैसे ही हम ऑक्सीजन की तरफ यहाँ मूव करेंगे जैसे ही हम ऑक्सीजन की जो नेगेटिव चार्ज है उनका मूव अगर कार्बन की तरफ करते हैं, तो अपने पास क्या हो जाएगा, कार्बन की वैलेंसी ज़्यादा हो जाएगी। तो कार्बन की वैलेंसी को फुलफिल करने के लिए हम क्या करवाएंगे, 1 हाइड्रोजन जो एटम है उसका रिप्लेसमेंट करवा देंगे हम दूसरे कार्बोनिल ग्रुप की तरफ। तो जैसे ही हम पहले क्या करवाते हैं, ये वाले जो ऑक्सीजन वाले एटम जो इलेक्ट्रॉन है उनका मूव करवा देते हैं हम ऑक्सीजन की तरफ। तो जैसे ही मूव होगा तो यहां नेगेटिव चार्ज और यहां पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अगर हम लिखे इसको इक्वल करके, यहां पर नेगेटिव चार्ज, ये हाइड्रोजन और ये आपका पॉजिटिव चार्ज, तो ये हो गया। इसका भी हम देखते हैं, अगर आगे हम क्या करवाएंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉनों का मूव यहाँ करवाएंगे। जैसे ही हम मूव करवाते हैं तो कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाती है, 5 हो जाती है, जो स्टेबल नहीं है। तो हम स्टेबल करने के लिए क्या करेंगे, जैसे ही ये पाई जो अपने पास ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन है वो मूव करेंगे कार्बन की तरफ, तो हम हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे एच प्लस की फॉर्म में। तो जैसे ही ये एच प्लस की फॉर्म में आप लोगों के पास रिमूव होगा, तो ये आप लोग ये जो आप लोगों के पास कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो अपने पास क्या हो जाएगा, ये जो हाइड्रोजन है वो एच माइनस की फॉर्म में होगा आप लोगों के पास। जैसे ही माइनस की फॉर्म में होगा तो इस कार्बन पॉजिटिव चार्ज से रिएक्शंस कर लेगा। तो देखते हैं हम आगे रिएक्शंस करवाते हैं, यानी कि तो हमारे पास बनता है यहां पे डबल बॉन्ड, जैसे ही मूव करेगा एक तो बन जाएगा अपने पास OH, ये आप लोगों के पास है, प्लस इस वाले हाइड्रोजन को हम अटैच करवा देंगे इस वाले कार्बन के पास। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये अपने पास बनेगा यहाँ पे, क्योंकि 1 हाइड्रोजन का हमने जो रिप्लेसमेंट है वो कार्बन के पास करवा दिया। अब देखते हैं अपने पास यहाँ पे क्या है आप लोगों के पास, एक तो हमें बनाना है साल्ट, यानी कि एक तो बनाना है हमें एसिड, और दूसरा हमारे पास बनेगा अल्कोहल। तो अगर हम प्रोडक्ट में आप लोगों जो ये वाला जो कंपाउंड आप लोगों को मिला, हम प्रोडक्ट में अगर इसको कंप्रेशन करते हैं, तो यहाँ क्या है अपना CH3 ऑक्सीजन, यानी कि मेथॉक्साइड आप लोगों को मिल गया, हमें क्या चाहिए, 1 हाइड्रोजन चाहिए, और प्लस आप लोग क्या करोगे यहाँ पे इसको हम सोडियम के साथ रिएक्शंस करवा देंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये जो आप लोगों के हाइड्रोक्सिल वाले जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो आप लोगों के पास यहाँ पे हम क्या करवाएंगे, ये वाले जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड आप लोगों का कोवलेंट बॉन्ड है, इसके इलेक्ट्रॉनों का मूव करवा देंगे हम ऑक्सीजन की तरफ। जैसे ही मूव होगा तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये जो हाइड्रोजन जो होगा वो पॉजिटिव फॉर्म में निकलेगा, और पॉजिटिव फॉर्म में निकलने के कारण इस ऑक्सीजन से नेगेटिव से ये रिएक्शंस कर लेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में अगर हम देखते हैं तो यहाँ बनता है अपना ये ऑक्सीजन की तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, प्लस अपना मिलेगा यहाँ पे, हम इसको लिख देते हैं CH3OH, ये आप लोगों के पास मिल जाएगा, यानी कि मैथेनॉल अपने पास बन गया। और यहाँ पे क्या है आप लोगों का साल्ट हमें यूज़ करना है। तो यहाँ पे जो आप लोग यहाँ पे जो हम यूज़ कर रहे हैं बेस जो हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो फर्स्ट स्टेप में अपने पास क्या हो बना होगा, Na+ और OH- उसने दिया होगा। तो यहाँ पे क्या करवाएंगे हम, इसकी अब जो सोडियम है उसके साथ इसकी रिएक्शंस करवा देंगे। जैसे ही हम सोडियम के साथ इसकी रिएक्शंस करवाते हैं तो यहाँ बन जाता है अपने पास सोडियम एसीटेट, प्लस अपना बन जाता है मेथेनॉल। ये आप लोगों का मेन प्रोडक्ट है इस रिएक्शंस का। कैनिजारो रिएक्शंस जो आप लोगों की कंप्लीट होती है रिएक्शंस में, आप लोगों को इस रिएक्शंस में मैकेनिज्म जो होती है वो भी पूछेगा, क्योंकि आप लोग इंपॉर्टेंट नाम रिएक्शंस है ये कैनिजारो रिएक्शंस। तो इसी रिएक्शंस में आप लोगों को इतना ध्यान रखना है कि ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड आप लोगों को यूज़ करना है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं हो। प्लस इसका प्रोडक्ट क्या ध्यान रखना है कि अपने पास जो प्रोडक्ट मिलता है इसमें एक तो अल्कोहल मिलता है और एक मिलता है अपन को साल्ट। जो भी आप लोगों का साल्ट होगा वो
क्या होगा, जो भी सोडियम एसिटेट या फिर पोटेशियम एसिटेट जो भी आप लोग यूज कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग अपना साल्ट की फॉर्मेशन होगी। तो ये आप लोगों की रिएक्शन कंप्लीट है, कैनिजारो अभिक्रिया। नेक्स्ट हम देखते हैं आप लोगों का, ये जो आप लोग नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन। ऑक्सीडेशन हमने कंप्लीट कर लिया कार्बोनिल कंपाउंड का, अब हम लेके चलेंगे कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन। रिडक्शन में अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो आप लोगों के पास आता है रिडक्शन में, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड का अगर हम रिडक्शन करवाते हैं तो रिडक्शन में क्या होगा आप लोगों के पास, रिडक्शन में एक दो फेमस रिएक्शन आप लोगों के पास प्रेजेंट है, क्लीमेंशन अपचयन, इसके बाद में वॉल्फ किशनर अपचयन, ये आप लोगों के इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। तो हम फर्स्ट देखते हैं इसमें क्लीमेंशन अपचयन, क्लीमेंशन रिडक्शन, क्लीमेंशन अपचयन, क्लीमेंशन अपचयन आप लोगों के पास है। क्लीमेंशन अपचयन में आप लोगों को क्या करना है, कार्बोनिल जो कंपाउंड है हमें उसको चेंज करना है, आप लोगों को रिडक्शन करवाना है, मेन चीज आप लोगों को ये है। तो यहाँ हम क्या करेंगे क्लीमेंशन अपचयन में, क्लीमेंशन अपचयन में हम क्या कार्बोनिल कंपाउंड लेंगे, उसकी जिंक मर्करी जो कैटलिस्ट होगा उसकी प्रेजेंस में अपने पास यूज करेंगे, प्लस हमारे पास जो होगा कंसेंट्रेट HCl हम यूज करेंगे। तो देखते हैं हम यहाँ पे अगर कार्बोनिल कंपाउंड में हम यूज करें एसीटोन, ये जो एसीटोन आप लोगों के पास होगा वो रिएक्शंस करेगा जिंक मर्करी की प्रेजेंस में, प्लस हम यहाँ पे यूज करेंगे कंसंट्रेट HCl और इसका स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है 180 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे अपने पास रिएक्शंस होती है। तो ये आप लोगों के पास रिएक्शंस है जिंक मर्करी, यहाँ पे कैटलिस्ट के रूप में आप लोगों को यूज करना है। हमें क्या करना है मेन इस रिडक्शन रिएक्शंस में, ये जो कार्बोनिल कंपाउंड यानी कि कार्बोनिल जो ग्रुप है उसको हमें चेंज करना है, CO जो ग्रुप है वो चेंज होता है CH2 में, आप लोगों को यही करना है इस रिएक्शंस में, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो उसको हमें क्या करवाना है, CO जो ग्रुप होगा आप लोगों के पास उसको किस में चेंज करना है, हमें CH2 ग्रुप में चेंज करना है। तो हम देखें यहाँ पे, ये आप लोगों का यानी कि हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे हमने क्या लिया था एसीटोन लिया था और अपने पास यहाँ पे क्या बन जाएगा प्रोपेन आप लोगों के पास बन जाएगा, प्रोपेन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये नॉर्मल रिएक्शन है रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शंस के बाद अगर हम बात करते हैं दूसरी रिएक्शंस की, वो होती है वॉल्फ किशनर अपचयन। वॉल्फ किशनर अपचयन देखते हैं हम, वॉल्फ किशनर रिडक्शन, वॉल्फ किशनर रिडक्शन में क्या करना है हमें, यहाँ पे भी वही कार्बोनिल कंपाउंड हमें यूज़ करना है, कार्बोनिल कंपाउंड का यूज़ करके आप लोगों के पास क्या करना पड़ेगा, हमें कार्बोनिल कंपाउंड हम यूज़ करेंगे, कार्बोनिल कंपाउंड से हमें क्या बनाना है पोटेशियम, जो आप लोगों कैटलिस्ट जो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे वो होगा एक तो सोडियम एथोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शंस होगी, प्लस हमारे पास यहाँ पे जो टेम्परेचर आएगा आप लोगों का वो होगा 180 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम वॉल्फ किशनर रिडक्शन, एक मैं आप लोगों को चीज़ और बता दूँ यहाँ पे, ये जो वॉल्फ किशनर रिडक्शन है आप लोगों के पास, इसमें क्या होता है हमें ये जो कार्बोनिल कंपाउंड से हम रिडक्शन करवाते हैं तो हमारे पास एल्केन बनेगा, क्योंकि यहां पर भी क्या होगा CO जो ग्रुप होगा वो किस में चेंज होगा CH2, यानी कि कार्बोनिल ग्रुप चेंज होगा मैथिलीन ग्रुप में। तो हम क्या करवाएंगे, यहां से जो हमारे पास क्वांटिटी जो मिलती है मैथिलीन ग्रुप की, यानी कि एल्किन की जो क्वांटिटी हमें मिलती है वॉल्फ किशनर रिडक्शन में, वो लोएस्ट क्वांटिटी मिलती है, यानी कि कम मात्रा मिलती है। तो एक साइंटिस्ट थे आप लोगों के, हुइंग मिलन, जो आप लोग बोलते हैं हुइंग मिलन उनका नाम है, हुइंग मिलन ने क्या किया, वॉल्फ किशनर जो रिडक्शन है उसमें जो हम कैटलिस्ट यूज करते हैं उसमें इसने क्या किया, कैटलिस्ट में एक्सचेंज कर दिया, यहां पे हम यूज करते हैं कैटलिस्ट के रूप में यूज में सोडियम एथोक्साइड, उन्होंने यूज किया यहां पे जो आप लोगों के पास डाइएथिलीन ग्लाइकोल या फिर ट्राइएथिलीन ग्लाइकोल, ये जो उन्होंने कैटलिस्ट के रूप में यूज किया, वही अपने पास हाइड्रोजन यहां पे यूज करना है। तो उन्होंने कैटलिस्ट को यूज आप लोगों के चेंज करने से अपने पास क्या हो गया, जो एल्किन की जो क्वांटिटी हो गई वो हमें ज्यादा प्राप्त हो गई यहां से। तो एक पहले हम पढ़ेंगे वॉल्फ किशनर अपचयन, फिर हम देखेंगे उसका मिनल रूपांतरण। तो हम देखते हैं इस रिएक्शंस में क्या होगा आप लोग पास, वॉल्फ किशनर अपचयन में कार्बोनिल कंपाउंड यूज करने हैं हम, यहाँ पे यूज करते हैं एसीटोन, ये जो एसीटोन होगा आप लोगों के पास, प्लस हम रिएक्शंस करवाएंगे इसकी हाइड्रोजन के साथ, यानी कि NH2 NH2, ये क्या है हाइड्रोजन है, प्लस यहाँ पे हम जो लेते हैं हाइड्रोजन के साथ हमने जो यूज़ किया यहाँ पे आप लोगों के पास, यहाँ हम यूज़ करेंगे कैटलिस्ट के रूप में सोडियम एथोक्साइड, यहाँ हम यूज़ करते हैं
सोडियम एथोक्साइड प्लस यहाँ पे टेम्परेचर जो होता है वो होता है 180 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि हुई जो हाइड्रोजन है अपने पास यहाँ से क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन के पास जो आप लोगों के पास N के पास जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसका हमें क्या करवाना है, रिमूव करवाना है। तो H2O रिमूव हो जाएगा प्लस N2 रिमूव होगा, यहाँ से हम देखते हैं बनेगा तो वही अपना क्या बनेगा, यहाँ पे प्रोपेन मिलेगा हमें CH2 प्लस क्या होगा अपने पास N2 रिमूव हो जाएगा यानी कि नाइट्रोजन गैस प्लस अपने पास रिमूव हो जाएगा यहाँ पे H2O। तो ये बनेगा अपने पास प्रोपेन और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शंस करवाने पर आप लोगों के पास H2O और प्रोपेन। तो ये होगी अपने पास कौन सी रिएक्शन, वॉल्फोकेशन और रिडक्शन। तो यहाँ हम मैंने आप लोगों को अभी बताया कि वॉल्फोकेशन और रिडक्शन के थ्रू जो अपने पास प्रोपेन बनता है उसकी क्वांटिटी क्या होती है, कम होती है। इसके पहले मैंने आप लोगों को अभी बताया क्लीमेंशन रिडक्शन, जो क्लीमेंशन रिडक्शन है और जो वॉल्फोकेशन रिडक्शन है, अगर हम क्या करते हैं ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड यूज करते हैं जिसके पास बल्की ग्रुप प्रेजेंट हो, जिसको आप लोग बोलते हैं बड़े समूह। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पे अगर आप लोगों के पास ये कार्बोनिल ग्रुप है, अगर इससे मैं जोड़ दूँ फाइनल ग्रुप, ये फाइनल ग्रुप अगर हम जोड़ दें यहाँ पे, तो ये क्या होता है आप लोगों के पास जो त्रिविम विन्यासी बाधा जिसको आप लोग बोलते हो, स्ट्राइकियोमेट्रिक जो अपने पास होता है, तो ये जो त्रिविम विन्यासी बाधा जो आप लोगों के पास होता है यानी कि ऐसे कंपाउंड जिनमें क्या हो बल्की ग्रुप अटैच होते हैं, तो वो उनका क्या करते हैं, ये जो वॉल्फोकेशन अपचयन और जो क्लीमेंशन अपचयन वो उनका रिडक्शन नहीं कर पाते। तो हम क्या करेंगे, हुइंग मिलन ने एक तो इसकी क्वांटिटी कम होने के कारण इसमें चेंज किया, और एक चेंज किया इसकी जो आप लोगों के पास जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं जिनके पास बल्की ग्रुप अटैच होते हैं, तो वो उनका आप लोगों के पास क्लीमेंशन अपचयन और वॉल्फोकेशन अपचयन के थ्रू रिडक्शन नहीं हो सकता है। तो वहां पर भी हम क्या करेंगे, हुइंग मिलन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जो चेंजेस किया इस रिएक्शंस पे उसका हम यूज करते हैं। तो ये आप लोगों के पास क्वेश्चंस आता है कि क्लीमेंशन अपचयन रिडक्शन और वॉल्फोकेशन अपचयन जो होता है वो कैसे कार्बोनिल कंपाउंड के साथ यूज में आता है, तो आप लोगों को ध्यान कर रखना है यहाँ पे कि नॉर्मल जो अपने पास कार्बोनिल कंपाउंड होता है यानी कि जिनके पास बल्की ग्रुप अटैच नहीं होते हैं वो वाले कार्बोनिल कंपाउंड हमें यूज करना है, जबकि आप लोगों को क्या करना है हुइंग मिलन जो आप लोगों को होगा वो हम देखेंगे, तो वहां क्या यूज करना है आप लोगों को, बड़े जो आप लोगों के पास बल्की ग्रुप वाले जो कार्बोनिल कंपाउंड है उनको यूज कर सकते हैं। इनका भी आप लोगों के पास जो नॉर्मल जो अपने पास होता है नॉर्मल जो कार्बोनिल कंपाउंड है उनका भी रिडक्शन कर देगा, और ये आप लोगों के पास जो बल्की ग्रुप वाले हैं उनका भी रिडक्शन कर देगा। तो हम देखते हैं ये जो वॉल्फोकेशन अपचयन है उसका देखते हैं हुइंग मिलन रूपांतरण। वॉल्फोकेशन अपचयन का हुइंग मिलन रूपांतरण यहाँ पे हम देखते हैं वॉल्फोकेशन अपचयन का हुइंग मिलन रूपांतरण, साइंटिस्ट के नाम के अकॉर्डिंग है हुइंग मिलन रूपांतरण। यहाँ पे क्या करना है आप लोगों को, जो वॉल्फोकेशन रिडक्शन में हमने जो यूज लिए कैटालिस्ट वो तो हमें क्या करना है यूज करना है यानी कि हाइड्रोजन आप लोगों को यूज करना है, इसके अलावा हमें क्या यूज करना है यहाँ पे कैटालिस्ट का चेंज करना है, कैटालिस्ट के रूप में हम यहाँ पे लेंगे ट्राइएथिलीन या फिर डाइएथिलीन ग्लाइकोल। तो हम देखते हैं यहाँ पे ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है एसीटोन, इस एसीटोन को क्या करना है आप लोगों को, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शंस करवानी है, वही है अपने पास हाइड्रोजन, यहाँ पे कैटालिस्ट के रूप में यूज करोगे आप लोग डाई या फिर ट्राई, डाई या ट्राई एथिलीन ग्लाइकोल। डाई या ट्राई एथिलीन ग्लाइकोल आप लोगों को यूज करना है यहाँ पे, प्लस हम यूज करेंगे यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे आप लोगों को यूज करना है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और टेम्परेचर का भी आप लोगों को ध्यान रखना है, टेम्परेचर जो लेना है यहाँ पे 200 डिग्री सेंटीग्रेड आप लोगों को यूज करना है टेम्परेचर। तो ये ध्यान रखना कि जो वॉल्फोकेशन है उन्होंने भी क्या लिया था, यहाँ पे हाइड्रोजन यूज किया था, प्लस उन्होंने जो कैटलिस्ट के रूप में यूज किया था वो सोडियम एथोक्साइड यूज किया था। तो हम क्या करेंगे, वॉल्फ जो अपने हुइंग मिलन है उन्होंने क्या चेंज किया, उन्होंने कैटलिस्ट में जो यहाँ पे यूज किया वो सोडियम एथोक्साइड की जगह उन्होंने क्या ले लिया, डाई या ट्राई एथिलीन ग्लाइकोल उन्होंने यूज कर लिया, प्लस यहाँ पे ले लिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो इससे क्या हुआ, एक तो अपने पास जो एल्केन बना उसकी क्वांटिटी ज्यादा हमें मिलने लग गई, जिसको आप लोग बोलते हो यील्ड, लब्धि जो अपने पास बनती है वो ज्यादा मिलने लग गई। इसके अलावा आप लोगों को क्या मिला, एक ये जो त्रिविम विन्यासी जो बांधित आप लोगों के पास होते हैं कार्बोनिल कंपाउंड उन पे भी ये रिएक्शन इजी वे में यूज में आ जाती है। तो बनेगा अपने पास वही, आप लोगों के पास प्रोपेन मिलेगा, क्या करोगे आप लोग,
यहाँ से जो आप लोगों का है एस टू ओ वो हम रिमूव कर देंगे, प्लस एन टू अपने पास रिमूव होगा। अभी ये जो दो हाइड्रोजन इसके पास बचे हुए हैं उसको हम कहाँ जोड़ देंगे, इस कार्बन के पास। तो आप लोगों के पास क्या बन जाएगा, वही बनेगा प्रोपेन। प्रोपेन की फॉर्मेशन हो जाएगी, प्लस हमारे पास रिमूव क्या होगा एन टू गैस, प्लस आप लोगों के पास रिमूव होगा यहाँ पे H2O। तो ये अपने पास मिल जाएगा। बस ये ध्यान रखना है कि हुइंग मिलन ने आप लोगों के पास जो कैटालिस्ट में जो चेंजेस किए वो वहाँ पे ये चेंज करने हैं आप लोगों का। तो ये रिडक्शन वाला पार्ट है अपने पास, आप लोगों के पास जो थोड़ा आप लोगों का कंप्लीट हुआ है। इसके बाद रिडक्शन में आप लोगों एक दो रिएक्शन और बचती है जो नॉर्मल रिएक्शन है, उसमें हम जो आप लोगों के पास होता है पिनेकोल जो आप लोगों के पास है, इसके अलावा आप लोगों के पास है जो नॉर्मल हम कैटालिस्ट यूज़ करते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, उनके थ्रू रिडक्शन। तो ये आप लोगों का रिडक्शन वाला पार्ट थोड़ा हुआ है, हम नेक्स्ट क्लास में रिडक्शन आगे और पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।